बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर दिनेश कुमार का कहना है कि पेशगोई करता हूँ रजा रवानी और मुशाहद सईद को उनकी पार्टियां फारिग कर देंगे। सेनेट इजलास में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा है कि मुशाहद सईद और रजा रवानी ने सच्चाई बयान की है। उन्होंने कहा है कि आज खुशी हुई है कि हमारे लोगों ने सच्चाई बयान की। वाजह रहे कि सेनेट इजलास में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर मुशाहद हुसैन सईद ने कहा था कि 5 अरब डॉलर का अफगान जहाज लड़ा गया, आज इसके नतीजे हमारे सामने हैं। लंगड़ी लूली हुकूमत से बेहतर है कि हुकूमत छोड़कर इलेक्शन कराया जाए। मुशाहद हुसैन सईद ने कहा था कि जनरल ज़िया को गालियां तो दी जाती हैं मगर उनकी पॉलिसियों को फॉलो किया जाता है। जनरल ज़िया ने कहा था कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब नतीज मजबूत होंगे, कुर्सी की जंग पाकिस्तान को तबाह कर देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रवानी ने टीटीपी से मुतलिक हुकूमत की पॉलिसी को पेशावर सानहे का जिम्मेदार करार देते हुए कहा था कि टीटीपी की पाकिस्तान में बहाली के फैसले की तहकीकात होनी चाहिए। रजा रवानी ने कहा था कि टीटीपी से जब जंग बंद हुई और मुजाकरात हुए तो पार्लियामेंट को इत्मीनान में नहीं लिया गया।